अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पकीज़ा institute.com। MS Excel की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम होम टैब में अलाइनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में हमने वर्ब टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है, तो आज की क्लास में हम मर्ज एंड सेंटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये MS Excel के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इस तरह आपने ये टेबल लिया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हैं कोई हेडिंग वगैरह देने, जैसा कि आप देखें तो ये यहाँ पे हेडिंग मैंने दी हुई है। यहाँ पे आप कर सकते हो, ये देखें मैं दो टेक्स्ट दो रो को सिलेक्ट किया, देन आप आएँ यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। तो ये देखें इसके अंदर चार ऑप्शन दी हुई है, मर्ज एंड सेंटर है, देन मर्ज अक्रॉस, देन मर्ज सेल एंड लास्ट अनमर्ज सेल। सबसे पहले हम मर्ज एंड सेंटर, ये देखें, मतलब कि इसने आपने जो दो रो सेलेक्ट की थी उनको एक ही रो में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं PAKEECIINST इंस्टीट्यूट टाइप करता हूँ, ऑफ कंप्यूटर भी लिख ही देते हैं। तो ये देखें, अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे इधर से मिडिल कर लेते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज करते हैं और यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की बहुत ही प्यारी हेडिंग बन गई। अब आप अगर इसे आप बॉर्डर देंगे तो ये नहीं कि आपकी इस रो पर, ये अब आपकी एक रो होगी, ये इसी के गिर्द ही बॉर्डर अप्लाई होगा। मैं यहाँ से बॉर्डर देता हूँ, यहाँ से हम थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो चलिए डबल बॉर्डर ले लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह आप इसे बॉर्डर दे सकते हो। ओके, ये तो था मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट आते हैं मर्ज अक्रॉस। इससे पहले हम चलिए इसे इधर ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। मर्ज अक्रॉस पे आएंगे तो ये देखें इससे क्या होगा, एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल जी करते हैं यहाँ से, तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम है उसकी जो लाइन होगी वो जो है वो रेज हो जाएंगी, मतलब उसको वो ख़त्म कर देगा। ये देखें, मतलब रो की लाइन जो है वो आप देख रहे हैं नज़र आ रही है वैसे, लेकिन जो यहाँ पर कॉलम की लाइन ऊपर से आ रही है वो यहाँ पर उसने रेज कर दी है, तो इसे कहते हैं मर्ज अक्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट देखें तो मर्ज सेल, यहाँ से हम ये सब सेलेक्ट करते हैं मर्ज सेल। ये देखें, इसमें भी ये जो हमारा जो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया तो उसे मर्ज कर दिया। उसके बाद देखें, अगर इसे आप अनमर्ज करना चाहें तो सिंपल आप अनमर्ज पे कर दें, जो आपका जो सेल था वो ये देखें अब अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। पहले आपने देखा होगा जब ये इसे हमने मर्ज सेल किया था, सॉरी ये होगा ना, इसे सेलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल करते हैं, तो ये देखें अब एक है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारा ही सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब इसे मैं अनमर्ज कर देता हूँ तो ये देखें हम इससे एक एक जो बॉक्स है उसे सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं। ऐसे आप ये देखें तो ज़्यादा भी अगर आप सिलेक्ट करके उसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ज़्यादा को भी कर सकते हो, ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास से रिलेटेड या इससे पिछली MS Excel वर्ड या पावर पॉइंट की किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।